हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय भारत और मैं सिमरन। वीडियो में आज हम उस एक्ट्रेस के जीवन और उससे जुड़े कुछ अनसुने किस्सों की बात करेंगे जो इंडस्ट्री में आने से पहले एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं। अब तो आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं किस एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। चलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब मैं आपको उनका नाम बता ही देती हूँ। जी तो मैं बात कर रही हूँ एक्ट्रेस द वन एंड ओनली दीपिका पादुकोण की। दीपिका का जन्म कोपेन हेगन डेनमार्क में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोण है जो कि मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। उनकी माँ का नाम उज्ज्वला है जो कि एक गृहिणी ना होते हुए एक ट्रैवल एजेंट थी। उनकी एक छोटी बहन भी है जिनका नाम अनीशा है। दीपिका पादुकोण ने अपनी शिक्षा अपने गृहनगर के स्कूल से ही हासिल कर रखी है और ये बेंगलुरु के माउंट कॉर्मल और सोफिया हाई स्कूल की छात्रा रह चुकी हैं। इन्होंने कॉलेज स्तर की पढ़ाई करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था, लेकिन मॉडलिंग में करियर बनाने के चलते उन्होंने छोड़ दिया था। दीपिका पादुकोण हिंदी फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हैं। दीपिका ने अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में अपनी अलग ही पहचान बनाई है और वे भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे चर्चित और आकर्षक सेलिब्रिटी में से एक हैं। वे किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी भी रही हैं, लेकिन फैशन मॉडल बनने के लिए उन्होंने खेल में अपना करियर नहीं बनाया और फिल्मों में आ गई। उन्हें आलोचकों के साथ साथ जनता का भी ढेर सारा प्यार मिला है, इसी की बदौलत उनका नाम आज की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार है। आज उनके प्रशंसकों की संख्या लाखों करोड़ों में है। अभिनेत्री को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। बता दूं कि दीपिका पादुकोण की शादी बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह से 14 नवंबर 2018 को संपन्न हुई। अब बात करें दीपिका के करियर की, तो दीपिका के हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से हुई थी, जिसमें उनके हीरो थे सुपरस्टार शाहरुख खान। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल की कमाई की थी और फिल्म भी सुपरहिट रही थी। भारत के साथ साथ विदेशों में भी ये फिल्म काफी पसंद की गई थी और यहीं से दीपिका की गाड़ी चल पड़ी। इस फिल्म के जरिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। हालांकि इसके बाद उनको कई फिल्मों में असफलता का भी सामना करना पड़ा, लेकिन दीपिका ने कभी भी हार नहीं मानी। फिल्म कॉकटेल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट रही थी। इस फिल्म में उनके अभिनय की काफी प्रशंसा हुई और आलोचकों और जनता ने दोनों ने ही इस फिल्म को बहुत प्यार दिया। वो अब तक कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें से ये जवानी है दीवानी, रेस 2, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत आदि प्रमुख हैं। दीपिका पादुकोण बेहद ही उम्दा अभिनेत्री हैं और इन्होंने कई हिट फिल्मों में काम भी किया है। उन्होंने साल 2007 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और अभी तक इन्होंने 30 से भी अधिक फिल्में कर रखी हैं। इन्होंने फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग भी कर रखी थी और एक सफल मॉडल हुआ करती थी। आपको बता दूं कि 18 साल की उम्र में दीपिका ने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का निर्णय लिया था और उन्होंने विज्ञापनों में कार्य करना शुरू कर दिया था। विज्ञापनों में कार्य करने के साथ साथ ये फैशन शो में भी रैंप वॉक किया करती थी और इन्होंने मॉडल ऑफ द ईयर का भी खिताब जीत रखा है। इन्होंने मॉडलिंग के दौरान ही एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया था। जब ये 21 वर्ष की थी तो इन्होंने हिमेश रेशमिया के साथ एक एल्बम में काम किया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आरंभ ऐश्वर्या नामक फिल्म के साथ किया था और ये कन्नड़ फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद ही इस अभिनेत्री को उनके करियर की फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म ऑफर की गई थी। इस फिल्म का नाम था ओम शांति ओम। इस फिल्म ने उन्हें कई प्रसिद्ध सितारों के साथ काम करने का मौका मिला था। इंडिया टुडे ने उन्हें 2017 और 2019 में देश के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल किया था। फोर्ब्स के वैश्विक संस्करण ने उन्हें 2016 में दुनिया में 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में नामित किया है और 2018 में उन्हें भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला सेलिब्रिटी के रूप में स्थान दिया। इसके अलावा 2018 में टाइम्स पत्रिका ने दीपिका पादुकोण को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में स्थान दिया है। दीपिका ने अपनी फिल्म चांदनी चौक टू चाइना 2019 के लिए एक जापानी मार्शल आर्ट फॉर्म जुजुत्सु सीखा है। फिल्म में उन्होंने अपने स्टंट खुद ही किए थे। 2017 में वो सबसे अधिक भुगतान पाने वाली भारतीय अभिनेत्री बनी। पद्मावती फिल्म से जुड़ा विवाद, रानी पद्मावती पर बनी फिल्म पद्मावती का विरोध करने वाले लोगों ने दीपिका को लेकर काफी विवादित टिप्पणी दी थी और उन्हें विभिन्न धमकियां भी दी थी। दीपिका पादुकोण के लव अफेयर, दीपिका का नाम सबसे पहले विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ जोड़ा गया था। उनके कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुए थे आईपीएल मैच के दौरान। बॉलीवुड में एंट्री के बाद उनका अफेयर रणबीर कपूर के साथ जोड़ा गया था। उनका अफेयर काफी लंबा चला था,
लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। फिर दीपिका की जिंदगी में आए रणवीर सिंह, जिसके साथ दीपिका की मूवी एक के बाद एक सुपरहिट होती चली गई। यहीं से दोनों के बीच में प्यार हो गया था और दोनों ने 2018 में शादी कर ली थी। साल 2021 में दीपिका पादुकोण की कुल संपत्ति 225 करोड़ रुपए के करीब थी, जबकि उनकी सालाना आमदनी है 24 करोड़। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें मैं भारत न्यूज़।